हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथन योर बेस टू बिल्ड योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो। जी हाँ, हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है जो कि 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट है। अभी रिसेंटली आपके एग्जाम हो चुके हैं और अभी कुछ एग्जाम्स पेंडिंग भी हैं, तो अभी जो नेक्स्ट बैच होने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो आपका एग्जाम होगा कब? दिसंबर में, नियर हो दिसंबर में अपना एग्जाम होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। प्रिपरेशन में क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ डिटेल होने वाली है, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है जी, उसके अलावा मैं आपको फर्स्ट टाइम मैं आपसे इंट्रोड्यूस होने जा रहा हूँ यहाँ पर विद पे कंपनी। ठीक है जी, तो मेरा नाम दिवाकर है, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कॉल कर भी पूछ सकते हैं। आप अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जो नोट्स होते हैं हम जिससे पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी फोटोज हैं जिनमें कुछ क्रक्स लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस है, जो मेन स्पेशल नोटिफिकेशन कुछ आती हैं। ठीक है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। इसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ ही वहाँ पे आपको, जो नेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है जी, देखिए कई बार क्या होता है कि हम वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं होते हैं कि हम इमीडिएटली वीडियो बना सके, तो आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे इमीडिएटली मिल जाती है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपके एमसीक्यू उसकी सीरीज भी कई बार लगती है, क्विजेज यहाँ पे होते हैं, तो जरूर ज्वाइन करना। ठीक है जी, खैर आप अपने यूट्यूब चैनल पर तो आ ही चुके हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और उसके बाद आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है जी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ हमारे पास होने क्या क्या वाला है। देखिए, जैसे मैंने आप यहाँ पर लिखा है, पेपर वन एंड पेपर सेकंड करवाएंगे। पेपर सेकंड में सर सब्जेक्ट कौन सा होगा? सर सब्जेक्ट होगा कॉमर्स का। ठीक है जी, 1 जुलाई 2023 से अपना बैच स्टार्ट है। चलिए आइए देखिएगा, हमारे पास दो पेपर है, एक है पेपर वन और दूसरा है पेपर सेकंड। ठीक है जी, पेपर वन हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में एंड पेपर सेकंड भी पढ़ेंगे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, पेपर वन एंड पेपर सेकंड। देखिए, पेपर सेकंड ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है। अगर यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट वो प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का तो ऑलमोस्ट सेम मिलता है, इकोनॉमिक्स का फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल जाएगा। आइए देखिए, पेपर वन में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं आपको एक बार नॉर्मली एक बार गो थ्रू करवा दूं सिलेबस से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि टीचिंग हमने करनी कैसे कैसे है। ठीक है, क्या क्या होता है टीचिंग में, एडोलसेंट कौन है, अडल्ट कौन है, उस सब के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़नी है, कैसे कैसे रिसर्च करनी है, क्या होती है, क्या प्रोसेस है, ये सब। इसके साथ साथ हमने कम्युनिकेशन पढ़ना है, यहाँ पर कम्युनिकेशन कितने तरीके की है, कैसे कर सकते हैं, आईसीटी की हेल्प से कैसे करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, आरसी, वो भी करना होगा। उसके अलावा हमें आईसीटी पढ़ना होगा, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी पढ़ना होगा हमें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको कुछ मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी लेनी होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है अपना इंडियन लॉजिक और दूसरा है अपना लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आप इन पे वैसे सभी पे तीन तीन चार चार घंटे की रिवीजन वीडियोस डाली हुई, हालांकि वो नाम नाम की रिवीजन है, टोटल सारे का सारा सिलेबस करवाए हुए, मगर फिर भी कुछ अपडेट होती है, लाइक आईसीटी में अपडेशन होगी, कम्युनिकेशन में अपडेशन होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ अपडेशन होगी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ अपडेशन होगी, हायर एजुकेशन इसमें काफी सारी अपडेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप नई वीडियो जो आएंगी वो जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा, इस बैच में हम ये सब कुछ करने वाले हैं, पेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कुछ हो गया हमारे पास, एक सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छह, सात, आठ, इसके अलावा क्या है अपने पास, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें हमने काफी चीजें पढ़नी होगी, और जो लास्ट है वो क्या है, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 10 सब्जेक्ट्स जो है वो हमें पेपर वन में पढ़ने होंगे, और आपको बता दूं पेपर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, जो आपका यूजीसी नेट जो है एग्जाम उसे क्रैक करने में हेल्पफुल होता है।
देखिए फोकस लोग ना इस पेपर पे करते हैं, इस पेपर पे फोकस करो नो डाउट, मगर बहुत ज्यादा इस पेपर पे फोकस करने की नीड होती है, क्योंकि ये पेपर आपका JRF तक ले जा सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू में कॉमर्स में बात कर रहे हैं हम, कॉमर्स में ठीक है, ऑलमोस्ट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स 7 to 8 units सेम मिलती हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, एक एक और यूनिट छोटा मोटा है, वो आपको डिफरेंट मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ सेम मिलेगा। हाँ आइए जी, यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस है क्या, ट्रेड्स क्या होंगे, ट्रेड बैरियर्स क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग अकाउंट्स की बात करेंगे, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की बात करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में कौन सा पढ़ना है हमने, इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें नहीं पढ़नी, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़नी होगी। ओके जी, इसके अलावा आगे क्या बात करते हैं, बिजनेस अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, वही सारा स्टैट्स हमें पढ़ना है। ठीक है, पैरामीट्रिक, उसके बाद टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, हमारा मीन मीडियन मोड वगैरह, ये सब पूरा स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें बिजनेस फाइनेंस पढ़ना होगा, जो हम फाइनेंस की बुक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें HRM पढ़ना होगा, HRM के साथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना है, उसके साथ हमें मैनेजमेंट भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक ही यूनिट है, एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, एक यूनिट बनाया है लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा हमारे पास आता है लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, जहां पर हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने होंगे, क्या पढ़ने होंगे, लॉज पढ़ने होंगे, एक्ट पढ़ने होंगे, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, GST है, ये सारे बहुत सारे एक्ट हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा हमें पढ़ना होगा यहाँ पर क्या, इनकम टैक्स, क्या पढ़ना होगा, इनकम टैक्स। कॉमर्स कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें इनकम टैक्स अच्छे से करके जाना है, यहाँ से आज के टाइम में हम देखें तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो सब्जेक्ट्स और हैं, क्या क्या है, एक तो है जी बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशंस, अपने पास बैंकिंग सारा पढ़ना पड़ेगा हमें, और उसके अलावा जो लास्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, मार्केटिंग का सब्जेक्ट। ठीक है जी, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये 10 units हैं जो हमें यहाँ पर पेपर टू कॉमर्स में हमें पढ़ने होंगे। अब सर इसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आपको उसके लिए बैच ज्वाइन करना होगा, हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, नोट्स आपको सारे अवेलेबल होंगे, रेगुलर क्लास हुआ करेगी अपनी। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 में कुछ अल्टरनेट भी देखा जाएगा, लाइक पेपर 1 के लाइक 3 दिन हमने क्लास लगा लिया, उसके अलावा पेपर 2 के हमने रेगुलर क्लास लगाई, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे कैसे कैसे हैं। ठीक है, बस बात ये है कि हम लोग एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी डेट क्या है, 1 जुलाई है। ठीक है, हम 1 जुलाई से 2023 से हम लोग क्या, दिसंबर 2023 जो एग्जाम हमारा होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है मेनली फीस की, जो बच्चे फीस की मतलब देखते हैं, क्योंकि फीस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाँ भाई फीस कितनी हो रही है। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल सी फीस है, नॉमिनल सी फीस है, हमने ये रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पढ़ना चाहता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पढ़ना चाहता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ना चाहता है, एक ही मतलब मुझसे ही पढ़ना चाहता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर 1000 का डिस्काउंट देते हैं, तो आपको 12000 रुपीज में आपको सारा मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी, प्लस आपको जो PDFs हैं वो भी सारे के सारी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 12000 रुपीज में आपका सारा का सारा जो प्रिपरेशन है UGC नेट का, ठीक है, हम उसकी तैयारी करेंगे, हम आपका JRF ले आने के लिए हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर करने होंगे। ठीक है जी, आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे हैं तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड आपको इजिली करवा देंगे। ठीक है जी, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इजिली पूछ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है,
सो आज की वीडियो है, देखिए थोड़ा जल्दी ट्राई करिएगा कोई भी बैच स्टार्ट करने के लिए, मैं नहीं कह रहा मेरा किसी भी टीचर से, लेकिन हाँ ये चीज बोलूंगा कि अगर मुझसे पढ़ते हैं तो सिर्फ मुझसे पढ़िएगा, किसी और टीचर से पढ़ते हैं तो सिर्फ प्लीज उसी से पढ़िएगा, क्योंकि देखो कंसेप्ट जो है वो सेम होता है मगर पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आप पढ़ाने का तरीका मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेपर वन की है, पेपर टू की है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। मगर ज्वाइन जिसको भी ज्वाइन करना है आपने उसे जल्दी करिएगा, क्योंकि टाइम है नहीं, जून जा चुका है और 1 जुलाई से अपना ये बैच शुरू है, और साथ ही साथ ये हो सकता है कि आपका जैसे ही एग्जाम इस बार वाले एग्जाम जल्दी हो चुके हैं, तो क्या पता नेक्स्ट जो बैच का एग्जाम होने वाला है वो शायद आपका नवंबर तक, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर तक, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेने आप जल्दी लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।